रहीम है, किस कदर रहीम है कि मेरा बंदा किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना उस बंदे को मिले और मेरा उसे माफ कर दो, जान से आजाद कर दो, उसके गुनाहों को मैं बख्श कर दू और उसको मैं जन्नत में ला दू। रहमान रहीम मेहरबान, कोरोना कोरोना वायरस वाबा चुनी चुना, मस्जिदों के दरवाजे बंद, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हमें मौका दिया कि अब हम समझ जाए लॉकडाउन लॉकडाउन दुनियावी जिंदगी का कब्र का लॉकडाउन होगा। उसके मुताबिक तुमने क्या सोचा है, उसके मुताबिक क्या फिक्र है तेरी, क्या सोच है तेरी, किस तरह तुम उस कब्र के अंदर रहकर उनके नजीर अपने आमाल को लेकर सब की बारगाह में पेश होगा। मामला आपने देखे मामूली रब ने झंझोड़ा, मामूली उसका झंझोड़ना, कोई कहता था कि फलां सुपर पावर, कोई कहता था कि रियाद सुपर पावर, कोई डॉलर, कोई यो फलां फलां करेंसी, कोई चीज किसी काम की बाकी न रही। हम तो देश की आपा को हिंद में रहने वाले अरब ममालिक मिडल ईस्ट वहां पर तो यहां तक इन अयाम में इन अयाम में उन्होंने वो बैनर आवेदन कर दिए चौकों पर मसाजिद के गेटों पर और हर शारा पर ये रुजू इलल्लाह हुवल हल, अल्लाह ताला की तरफ लौट आना ही मसले का हल है, उसके बगैर कोई हल नहीं। ये कोरोना अभी तक नामालूम है, अब पता नहीं कितने महीने कितने साल ये सिलसिला चलता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारे करीब है। रहमान और रहीम वो रब, वो मालिक वो खालिक वो जुलजलाल वल इकराम, वो अगर चाहे एक लम्हे में सारे मामला मुमकिन हो सके। वजीरत मुनव्वरा के दरवाजे की हरमे शरीफ है जहां पर सिपाहियों के खोज लेकर अगर कोई जाता था नजर नबा पर पड़ती थी तो वो बीमारियां खत्म हो जाती। आवे जमजम आबे जमजम के लिए किया जाए, मगर अफसोस उसका पीना भी हमारे लिए बंद हो गया। मेरे अजीजों ये तो अलग अलग बात है, लोग समझते हैं कि ये इंटरनेशनल सियासत है, कोई समझता है कि ये वार है, ये कि फिफ्थ जनरेशन है, चुनी है चुना है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है उनके जहनों में और आपके जहनों में, मगर हम अहले ईमान अहले मुसलमान होकर हम ये कहते हैं इत्तमा अबु इज़ा अराद शैयन, अल्लाह का हुक्म ये है वो जब चाहता है किसी चीज का इज़ा अराद शैयन अय्यकुना लहू कुन फयकून, उसको कहता है कि वो हो जा बस वो हो जाता। कुरान मजीद का फैसला है, अल्लाह का कलाम है, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। वैसा मरीज तो फहुशी, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब ही मुझे शिफा देता है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, फरमा दीजिए मुझे हर दिन कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती जब तक मेरा रब नहीं था। तदाबीर है, कोरोना हकीकत है जिससे कोई दो राय नहीं दे सकता, मगर जिस तरह ये एंकर बैंकर और पता नहीं ये सोशल मीडिया में यहूदो हनोद के एजेंट बैठकर और बनकर मुसलमानों को मसाजिद से रोकना, मदारिस को बंद करना और तरह तरह के तावीलात और बामेदार बना बना कर पेश करना ईमान को कमजोर करना है, लेकिन अपनी ईमान को पुख्ता करो। मेरे ईमान
जब तक मैं रब नहीं चाहता। अल्लाह का फरमान है, रब का फरमान। हम ईमान लाते हैं रब के हुक्म पर, रब के फरमान पर, तो हमें ये तस्लीम करना है, ये वबा भी रब की तरफ से है और इसको दूर करना भी मेरे रब का काम है। बल्कि अल्लाह ताला मेहरबान अपने बंदों पर, रहमान और रहीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिवायत अहदीस में, किस कदर मेहरबान है देखें कि कयामत के दिन देखें हुकूकुल्लाह, देखें हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक। वो रहमान है, ऊपर उसका चाहे माफ कर सकता है, मगर हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला माफ नहीं करता। यहां तक कि हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक के जो में माशर बेशुमार रिवायत है, जिसका हक तलब हुआ, जिससे ज्यादती हुई, जिससे जुल्म हुआ, जिसने हक तलबी की, ज्यादती की, जुल्म किया, मजलूम का हाथ होगा।